स्टूडेंट, वी आर एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर फिफ्थ, क्लास सेवन। चैप्टर नंबर फिफ्थ क्या है आपका क्लास सेवन का? ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इस चैप्टर में हम आज ये पढ़ेंगे। ओके, नाउ आपकी बुक जो है उसके पेज नंबर 34 पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट पे एक्सप्लेनिंग प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जो भी नंबर्स, जिस भी नंबर्स को हमको a बाय बी के फॉर्म में लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस नंबर। जैसे मैंने आपको राइट कर दिया है 24, तो 24 इज अ होल नंबर। 24 क्या है? होल नंबर है। बट मैंने आपको लिख दिया 2/5, तो ये जो 2/5 है ये किस फॉर्म में राइट क्या मिले? a अपॉन b। तो इस टाइप में अगर किसी भी नंबर्स को राइट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके फ्रैक्शंस नंबर। ओके, जो ऊपर का नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो नीचे का नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो भी नंबर्स ए बाय बी के फॉर्म में राइट करते हैं उसको हम कौन से नंबर्स बोलते हैं? फ्रैक्शंस नंबर बोलते हैं। और जो ऊपर नंबर की डिजिट होती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो नीचे की डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, अब फ्रैक्शंस की क्या डेफिनेशन है, हम राइट करते हैं कि फ्रैक्शंस किसको किस टाइप से लिखते हैं। फ्रैक्शन इज अ नंबर। फ्रैक्शन क्या है? एक टाइप का नंबर है जिसको हम किस टाइप से राइट करेंगे? फ्रैक्शन इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट अ पार्ट इन द फॉर्म। जो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन से फॉर्म में राइट करते हैं इसको, ए अपॉन बी के फॉर्म में। वेयर ए इज क्या है? ए इज अ न्यूमरेटर एंड बी इज डिनोमिनेटर। ये डेफिनेशन आपको इसकी आनी चाहिए। ए इज कॉल्ड अ न्यूमरेटर। ए इज न्यूमरेटर एंड बी इज एंड जो बी की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो। जो बी की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी वो कौन सा नंबर बन पाएगा? आपका फ्रैक्शन नंबर बन पाएगा। तो आप फ्रैक्शन की डेफिनेशन किस टाइप से राइट कर सकते हैं? फ्रैक्शन इज अ नंबर। ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन राइट की हमने। फ्रैक्शन इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब एक फ्रैक्शन होल पार्ट का ही कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? होल पार्ट को। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी। इसको हम कौन से फॉर्म में राइट करते हैं? ए अपॉन बी फॉर्म में राइट करते हैं। एंड देन वेयर इज अ ए इज अ न्यूमरेटर एंड बी इज अ डिनोमिनेटर। बट ए इज नॉट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने आपको लिख दिया 3/0, इट कॉल्ड अ फ्रैक्शन नंबर। नो, आप क्या बोलेंगे कि ये फ्रैक्शन नंबर नहीं है, बिकॉज जो डिनोमिनेटर है वो कितना आ रहा है? इसमें जीरो आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन नंबर नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। अब इसके बाद में हम लाइन टू लाइन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फ्रैक्शन के जो फॉर्म होते हैं फ्रैक्शंस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इनटू वेरियस ऑफ द टाइप। बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के। हम वन बाय वन इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फ्रैक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं।
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको लिख दिया 1/2, देन मैंने राइट किया 3/4, ओके। अब इसमें क्या है, जो ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है, नीचे वाले नंबर को आप क्या बोल रहे हो, डिनोमिनेटर बोल रहे हो। जो ऊपर का नंबर है वो डिनोमिनेटर से कैसा लेस देन छोटा है, एंड देन इसमें भी 3/4, 3 इज लेस देन टू 4, जो 3 न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन है तो आप क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर क्या है, 1 है, 1 इज लेस देन 2, यहाँ पर भी न्यूमरेटर क्या है, 3 है, 3 इज लेस देन 4, तो इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब आप सीधी सीधी इसको अगर इजी टेक्निक में बोले तो जो ऊपर का नंबर है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आप डेफिनेशन को मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस के आप कोई से भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या करना है आपको, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके आप कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर। जैसे मैंने लिख दिया 2/5, न्यूमरेटर लेस देन, मैंने लिख दिया 1/8, ये भी क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी आप लिख सकते हैं 7/9, कोई सा भी ले सकते हैं, बस ऊपर का जो नंबर है न्यूमरेटर वो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से लेस देन होना चाहिए। अब उसके बाद आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हम फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका जस्ट अपोजिट, मतलब इसमें क्या था, स्मॉलर था, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लार्जर देन, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका जस्ट अपोजिट हो गया ये। अब इसमें आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर जो लेना है वो कैसे लेना है, ग्रेटर से लेना है, बड़े लेना है, हम कोई सा भी नंबर इसमें चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 9/5, अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया 7/2, और भी नंबर ले सकते हैं 10/3, कोई से भी आप नंबर चूज कर सकते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, लार्जर होगा डिनोमिनेटर से, तो इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमने कौन से पढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आगे हम इसका यूज करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ओके। अब उसके बाद आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों इंक्लूड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब होल नंबर भी इंक्लूड होता है और फ्रैक्शन नंबर भी इंक्लूड होता है, उसको बन जाता है जैसे मिक्स्ड कर दिया हमने उसको, क्या कर दिया उसको हमने, मिक्स्ड। अब फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन भी इसमें बेस्ड है आपके, मिक्स्ड फ्रैक्शन।
सेक्शन ए बी होल नंबर फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल मतलब फ्रैक्शन हैवी होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट, मतलब होल नंबर पार्ट भी आना चाहिए आपका और कौन सा पार्ट आना चाहिए आपका फ्रैक्शनल पार्ट भी आना चाहिए। होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट आएंगे उसके बाद ही हम उसको क्या बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप कैसे इसको बनाएंगे, जैसे हमने टू ले लिया ये होल नंबर पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये जो टू है ये आपका होल नंबर पार्ट हो गया और वन बाय टू आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये बन गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस टाइप से आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, फाइव वन बाय थ्री और टू वन बाय सेवन, इस टाइप से आप कोई से भी नंबर इसमें राइट कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको आप सॉल्व करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सॉल्व करके इम्प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है आपको, जैसे वन फाइव बाय वन बाय थ्री, ओके तो थ्री में फाइव का पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव मल्टीप्लाई थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस वन कितना हो गया सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन थ्री, तो ये फाइव में कन्वर्ट हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इस टाइप से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर कैसे हो इक्वल, तो उनको हम क्या बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। तो फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर इक्वल डिनोमिनेटर तो उसको क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस कैसे हो जाएंगे देखिए आप, मैं डेफिनेशन राइट नहीं करेगा, जैसे टू बाय फाइव मैंने लिख दिया, थ्री बाय फाइव, फोर बाय फाइव, अब देखिए इसके डिनोमिनेटर कैसे आ रहे सेम आ रहे इक्वल आ रहे, मैंने लिख दिया फाइव बाय फाइव, सिक्स बाय फाइव, कितने भी लिख सकते हैं पर डिनोमिनेटर कैसे इसके इक्वल है, न्यूमरेटर तो चेंज हो रहे हैं बट डिनोमिनेटर कैसे है इक्वल है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इज सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ओके अब अनलाइक फ्रैक्शन की बात होगी तो अनलाइक फ्रैक्शन कैसे होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएंगे जिसमें डिनोमिनेटर कैसे होंगे, द फ्रैक्शन वाइल हूज डिनोमिनेटर आर नॉट सेम आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे वन बाय सेवन लिख दिया आपने, इधर लिख दिया टू बाय फाइव, इधर लिख दिया फोर बाय नाइन, देन अब आप देखिए इसको चेक कीजिए इसके डिनोमिनेटर कैसे इक्वल है क्या नहीं है, तो फ्रैक्शन हैविंग दिस डिनोमिनेटर और नॉट सेम इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम क्या बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके उसके बाद हम पढ़ते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग 10, 100, 1000 एक्सेट्रा और डिनोमिनेटर और कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन बहुत सिंपल है, जिसके डिनोमिनेटर में आपको 10 आ जाए, 100 आ जाए या फिर 1000 आ जाए, जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये सब आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिख दिया 7 बाय 10,
एट बाय थाउजेंड। तो ये सब आपके कैसे फ्रैक्शंस कहलाते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये सारे जो टाइप्स थे आपके फ्रैक्शंस के, और भी आपके फ्रैक्शंस से आपकी बुक के पेज नंबर 34 पे आप ओपन करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड ऑफ सेम नॉन जीरो नंबर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फॉर्म्ड। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर्म है। ओके, तो ये जो मैंने हमने सारे टाइप्स पढ़े हैं फ्रैक्शंस के, आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक्स।